दो दिन पहले सरकार बनाते हैं, दो दिन के बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो क्यों नहीं पूछेगा विपक्ष सवाल पलटकर कि साजिश के तहत दो ये किया विषय जा रहा है, है? मैं इसलिए हंस रहा था। वैसे तहसीन आप मुझे बचपन से नहीं पैदाइश से जानते हैं, तो एनीवेज मैं आपसे इसलिए हंस रहा था पैदाइश आपकी में बातों बच्चा को नहीं था सुनकर। ना। मैं आपकी बातों को सुनकर इसलिए हंस रहा था क्योंकि आपको तो सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल है। ये जब चुनाव ईवीएम से होते हैं तब भी ये तहसीन पूनावाला और मंडली रोते हैं, जब ये बैलेट पेपर से होते हैं तब भी तहसीन पूनावाला और मंडली रोते हैं। तहसीन पूनावाला, आपको पता ही, ये मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की निगरानी में हो रहा था। जिस प्रकार से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला है, उस प्रकार से पुलिस की प्रेजेंस में, रिकॉर्डिंग में ये सारी चुनाव की प्रक्रिया की गई। अच्छा, मोरालिटी इमोरालिटी की जब बात होती है, तो मोरालिटी तो ये है कि चंडीगढ़ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे ज्यादा सीटें, अगर किरण खेर का वोट हटा भी दिया जाए तो किसका है? भाजपा का है। आप लोगों का कहां था? अरे और दूसरी बात सुन लीजिए, पूरी बात हो जान दीजिए। उसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से तहसीन पूनावाला, ये लोटस ऑपरेशन लोटस, ये सब अभी प्रियंका जी ने कहा, 6 महीने पहले याद है हम लोगों ने एक डिबेट की थी चित्रा जी, मैं भी आपके इसी स्टूडियो में था, तब इन्होंने कहा था 800 करोड़ रुपए चित्रा जी ये भाजपा वालों ने छिपा के रखे अपने कार्यालय में, हमारे विधायक तोड़ रहे हैं, हम ऑडियो टेप जारी करेंगे। चित्रा जी मैं तो परेशान हो गया हूं, आज तक ऑडियो टेप आया नहीं है आज तक। पर चला दो ना, आज ही ऑडियो टेप चला दो, आपका 5 बजे का कार्यक्रम भी हिट हो जाएगा, एकदम फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी, दे हिट है, दीजिए हमारा ऑडियो। कार्यक्रम हिट है, ऑडियो टेप चलिए, हिट करने की अच्छा जरूरत दूसरी नहीं बात, है। अब हाँ, तहसीन सोशल पुनावाला की मीडिया बातों की पर, बात। तहसीन प्लीज आपने 2-3 मुद्दे उठाए, मुझे जवाब देने दीजिए। अरे तहसीन कार्यक्रम पुनावाला बोल रहे इसलिए हैं कि जब तेजस्वी यंगस्टर थे, माइनर थे, तब ये स्कैम हुआ। अरे तहसीन, पहले तो शुक्रिया आपने इसको माना स्कैम है। दूसरी बात, जो स्कैम नहीं प्रोसीड्स बोल, ऑफ क्राइम है, सुन लीजिए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो आज भी तेजस्वी के नाम पर है, और तेजस्वी उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बंगले में रह रहे हैं और उस प्रॉपर्टी पर उनका कब्जा है, तो ठीक ही है। इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्राइम। दूसरी, तीसरी हाँ बात, हाँ आखिरी बाकी बात, लोग भी, एक बाकी एक दस लोग सेकेंड भी, दस हाँ सेकेंड बोलिए बोलिए, दस देखिए, सेकेंड। हमने रॉबिनहुड की कहानी सुनी होगी चित्रा जी, आपने अपने बच्चों को सुनाया होगी, अमीरों से लेते हैं गरीबों को देते हैं, ये रिवर्स रॉबिनहुड है बिहार के। मतलब गरीबों की नौकरी, ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरी चोरी करके, ठीक औने है, पौने दाम पर जमीनें लेकर, हाँ उनसे लेकर और फिर अपनी जेबें भरना। और बताइए, लालू तो 4 बार कन्विक्टेड है, पहली बार कन्विक्ट कब हुए? 2013 में, तब हमारी कौन सी सरकार थी? बोलिए कौन मुड़ी तहसीन जी। कन्विक्टेड है फिर उसके बताइए। बाद अभिषेक झा जी, मैं आ रही हूँ और कन्हैया जी तहसीन आपकी बात पूनावाला, लेकर लास्ट आपके बात, पास भी, लास्ट ठीक है। बात, हाँ, लास्ट एक लाइन में जल्दी बात, से। लास्ट बात, तहसीन पूनावाला, आपका तो मेरे पास ऑडियो टेप भी है, केजरीवाल करप्ट है। आज जब केजरीवाल पर है, शराब घोटाले की कार्रवाई हो रही है, तो आप मानते हैं कि सही कार्रवाई हो रही है, गलत हो रही है? जल्दी से तहसीन गलत जी। हो रही है, गलत हो रही है, लेकिन मैं वाह, उस पर बाद में आऊंगा। मैं आता हूं, लेकिन उस पे मैं बाद में आऊंगा। रॉबिनहुड की स्टोरी तो सबने सुनी, फैंटम की भी स्टोरी सबने सुनी होगी, अंधेरे में किस तरह से घोस्ट बनकर निकलते थे। ये जो घोस्ट है ना, कि सिर्फ हमें सत्ता पे रहना है। तेजस्वी पर अगर कोई एलिगेशन है, कंप्लेनेंट कौन है? लालू जी के खिलाफ कंप्लेनेंट कौन है? स्कैम, आप जो कह रहे हैं स्कैम, जब वो माइनर था, स्कैम हुआ रेलवे में, रेलवे कंप्लेनेंट नहीं, कोई प्राइवेट व्यक्ति कंप्लेनेंट नहीं, सरकार आ जाती है इन्वेस्टिगेट कर रही है। आप कह रहे हो प्रोसीड ऑफ क्राइम, इससे पहले 1 साल पहले आप कह रहे थे जमीन है दिल्ली के अंदर, जमीन की वैल्यू है 100 करोड़ रुपए। उस वक्त मुझे तेजस्वी ने व्हाट्सएप किया, अगर 100 करोड़ की जमीन है बेच दीजिए। कहां गई वो जमीन? आज हम बंगले पर आ गए, फ्रेंड्स कॉलोनी में। आपके पास कोई तर्क नहीं, आपकी ठीक है कोई अभिषेक रिकवरी जी, नहीं। अभिषेक जी, आप जल्दी से अभिषेक जी, विषय दिखा दूं, एक अभिषेक विषय जी, दिखा मैं दूं, अभिषेक जी बहुत एक देर से महत्वपूर्ण इंतजार कर रहे विषय, हैं, जल्दी एक से, एक जल्दी से। ये तहसीन, एक सेकंड सुनिए, आपने मुझे मजबूर किया इसलिए मैं आपको पूरा एक्सपोज कर दूंगा। सुन लीजिए तहसीन, सुन लीजिए, आपने बोला ना कंप्लेंट कब शुरू हुई, जब ममता बनर्जी थी रेल मिनिस्टर तब। For Lalu Prasad, it's no white paper, but it could turn out to be much worse for Lalu Prasad Yadav, Railway Minister Mamata Banerjee. हेडलाइंस टुडे की रिपोर्ट है, तब हेडलाइंस टुडे हुआ करता था, इंडिया टुडे नहीं था। तो ममता बनर्जी ने यह शुरुआत की, और उसके अलावा हाई कोर्ट ने और कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। तेजस्वी ने समन पॉज कराने के लिए प्रोसीडिंग की थी, उनको कोई राहत नहीं मिली। तहसीन पूनावाला, झूठ बोलना बंद कीजिए, ठीक है अभिषेक झा जी। लेकिन पलट कर सवाल पूछा जाएगा ना, जब तक तेजस्वी जी आप लोगों के साथ थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, दो दिन में सत्ता परिवर्तन क्या हुआ, बिहार की राजनीति पूरा पलट गई, और आरजेडी वाले आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की साजिश में जेडीयू भी पूरी तरह से लिप्त है। चित्रा जी, इसको इस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत किसी को भी नहीं है, सर्वविदित है, हर किसी के पास इस बात की जानकारी रही होगी कि जो पूछताछ की तारीख है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी से हो या तेजस्वी यादव जी से, पहले से मुकर्रर थी 29 तारीख और 30 तारीख को बारे के बारे में उनको भी इन्फॉर्मेशन थी। अब ये महज इत्तेफाक कहिए कि सत्ता परिवर्तन अगर बिहार में होता है तो 28 तारीख को होता है। अब कुछ लोग इसको मुहूर्त के हिसाब से देख रहे हैं, कुछ लोग इसे संयोग देख रहे हैं, और कुछ लोग इसे अपने लिए खराब किस्मत और फूटी किस्मत देख रहे हैं। देखिए, मीडिया ट्रायल्स होते रहते हैं, यहां हर पार्टी के नुमाइंदे अपनी अपनी बातें अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से कह रहे हैं। हम लोगों ने शुरू से इस बात को कहा है
कि मसला यह है कि जब तक कोई ना कोई मामला नहीं होता है तब तक जांच इस दिशा में क्यों बढ़ेगी। वो कहावत है ना कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो जांच से भागने की तो जरूरत किसी को है ही नहीं। और एजेंसीज को अक्यूज करने के बजाय अगर अपना पक्ष बता रहे होते बखूबी तो ज्यादा अच्छा और बेहतर और बढ़िया लगता है। हम कोई बायस नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हो गया है तो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी के विषय में हम लोगों ने कहा है कि स्वास्थ्य कारणों के हिसाब से उनको राहत मिलनी चाहिए जो भी एजेंसी दे सकती है, क्योंकि वो ओल्ड एज है, कई बीमारियों से पीड़ित है, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हुई है किसी भी कालखंड में, किसी समय में इस तरह की चीजें अगर सामने आई है, तो जांच से परहेज क्यों है भाई? ऐसे इतने सारे मामले कहां से आ गए हैं कि भाई आपकी संपत्ति में इतना ज्यादा ग्रोथ, शुरू से इतना ग्रोथ, आपने देखा है कि पटना में कई मॉल्स को, कई संपत्तियों को जब्त किया गया, दिल्ली में जब्त किया गया, तो देश की जांच एजेंसियों के पास एक ही काम तो नहीं है ना कि भाई एक ही परिवार को टारगेट करके हम आगे बढ़ते रहे। राजनीति की जुबान कैसे बदल जाती है। तो मैनिपुलेशन अभी कल तक आप लोग साजिश बताते थे और फिर आज कह रहे हैं कि नहीं संपत्ति है तो जांच जरूरी है। अभिषेक झा जी गजब है, मतलब आप लोगों की भी राजनीति गजब है। अभिषेक झा जी मैं अभी कल तक लालू जी पर वार होता था तो आप लोग कहते थे नहीं बीजेपी की साजिश है, जानबूझकर करती है, परेशान कर रही है, विपक्षी एकता से घबराई है और आज कह रहे हैं बहुत सही काम कर रही है। हमने तब भी कहा था, सुन तो लीजिए, नहीं बहुत ना हमने सही कहा ना गलत कहा चित्रा जी, खास बात यह है कि हमारा स्टैंड हमेशा यही रहा कि अगर किसी व्यक्ति पर आरोप है तो जांच होनी ही चाहिए और किसी निर्दोष के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और एजेंसीज को कभी दबाव में काम नहीं। आपकी बात पर बहुत ज्यादा हंस रहे थे, जरा आपसे टिप्पणी ले लेती हूँ। कितने ज्यादा खुश क्यों, क्या हो गया कन्हैया जी, आपको क्यों लगता है अभिषेक झा जो बातें कह रहे हैं वो हंसी में उड़ा देने लायक है? नीतीश कुमार अरे दिल्ली वाला अभी और परेशान करेगा, आप देखिएगा ना, हम मिल गए हैं ना दोनों आदमी, तो इतना छापा मारेगा कि पूछिए, यही उन लोग का काम है। लगता है कि देश दुनिया में सबसे बड़ा मतलब कांड करने वाला यही परिवार है, देखते न जाइए। ललन सिंह ने कहा था राष्ट्रीय प्रेसिडेंट ऑफ जनता दिन ये केस बंद हो गया है, कुछ नहीं मिला सीबीआई को, इसीलिए मनमोहन सिंह ने डंप कर दिया। उसके बाद 6-7 साल के बाद याद आया, हमको याद आता है, इसीलिए मैं चित्रा जी हंस रहा हूँ। अब क्या करूं, और एक क्या क्या लोग बोले थे कैसे लालू प्रसाद यादव के परिवार को फंसाया जा रहा है। ये लड़का उस समय नादान था, बच्चा था, छोटा था, यही लोग कह रहे थे, नीतीश जी कह रहे थे, ललन सिंह कह रहे थे, नीरज कुमार कह रहे थे, कौन नहीं कह रहा था। लेकिन समय समय का पेड़ा है, पुरुष बलि न हो समय हो तो बलवान, यही होगा। बोलिए अभिषेक झा जी, समय समय का फेर है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा कि डेट पहले से मुकर्रर था, उस हिसाब से जांच भी हो रही थी। हम लोगों ने कभी इस बात की सिफारिश या पैरवी नहीं की है कि स्पेसिफिक कार्रवाई हो रही है तो बहुत सही है या बहुत गलत है, उसके मैनिपुलेशन अपने हिसाब से हो सकते हैं। कन्हैया भिलारी जी बहुत सारे कालखंडों में बहुत सारी बातों को बोल रहे हैं, लेकिन चित्रा जी एक बात बहुत नोटिसेबल है, नोटिसेबल यह है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई या पूछताछ हो रही है एक तरह से, उनके ऊपर पहले से भी बहुत सारे मामले हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें कोर्ट से वो कन्विक्टेड है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। तो ऐसा नहीं है कि पहले से इस तरह के आरोप नहीं लगे हैं या नहीं साबित हुए हैं, सजा याफ्ता तक है लालू प्रसाद यादव जी।